हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो स्टाइल बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो ये कि आप लोगों को क्या कर रहा है, वो ये कि आपका रिविजन तो बनता है बॉस। क्योंकि देखो, आज मैं जैसा कि देख रहा था कि हमारे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसमें आज हमारा एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, नेक्स्ट के अंदर हम जो है वाटर पॉल्यूशन को देख लेंगे, फिर इसके बाद में हम जो इसके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसे उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो लगभग ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारे चैप्टर बचे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत क्योंकि वहां पे देखो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा डिफरेंट साइकल्स के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे जो एडोलेसेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, वो ये कि अभी नवरात्रों वाला टाइम चल रहा है, कहने का मतलब एक दीपावली वाला टाइम चल रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखो अपनी छुट्टियां जो लगेंगी तो उसको जाया नहीं होने देना है और आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस शानदार जबरदस्त करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आप लोगों को फटाफट से क्या मिल सके, नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजिली अवेलेबल हो सके। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो एयर पोल्यूशन से ऐसा नहीं है कि ओनली हमें जो है रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम्स ही होंगी, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें आई डिजीज से रिलेटेड अपन बात कर सकते हैं, थ्रोट से रिलेटेड अपन कोई बहुत बात कर सकते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, हमें किसी ना किसी रूप में हो सकती हैं। और हमें नहीं पता है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसमें किस टाइप की कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सी हमारे लिए पॉइजन एक तरीके से बन जाए और हमें जो है बहुत ही उसका बड़ा परिणाम उठाना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन किन किन कारणों से हो रहा है, किन किन वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, आज अपन उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से आप लोगों को फटाफट से क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, जहां पे आप लोगों को डिफरेंट एक मिनट, यहां पे आप लोगों को हर क्लास के लिए अलग अलग पाथ दिखाई देंगे। सिक्स क्लास के लिए अलग है, सेवंथ के लिए अलग है, एट्थ के लिए अलग है, नाइन्थ के लिए अलग है, टेंथ क्लास के लिए अलग अलग है। हमारी आज की जो क्लास है वो है एट्थ क्लास। एट्थ क्लास के लिए जो पाथ बना हुआ है स्टूडेंट्स, वो है t.me/t.me0@, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं और इस पाथ को फॉलो करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा हमें बात करूं सैंपल पेपर्स के बारे में, इसके अलावा मैं बात करूं सैंपल पेपर के अलावा DPPs के बारे में, मैं बात करूं आप लोगों से नोट्स वगैरह के बारे में, तो आप इजीली यहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात वो ये कि यहां से आप इजीली एक्सेस करने के बाद में क्या होगा, सबसे खास बात वो ये कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, फ्रीली एक्सेस कर लेना है और आपकी प्रिपरेशन को शानदार और जबरदस्त कर लेना है। और भी जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपके डिलीवर्ड क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 8th क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 8th क्लास को लेकर के, तो 8th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो गया, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, होमवर्क हो गया, क्विजेस हो गया, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हो गए, ये सब आप लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात कहूँ तो आप लोगों को यहाँ पे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के पेपर
प्रिपरेशन, इसके अलावा मैं बात करूँ जो प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये सब आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा काम वो ये कि आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जो अमाउंट नजर आ रहा है ना, इस अमाउंट पे आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन उस डिस्काउंट के लिए यार आप लोगों को काम करना होगा, पता है क्या, वो ये कि आपको मेरा कोड अप्लाई कर देना है जो कि है वी आर लाइफ। ठीक है, आप जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा इस अमाउंट पे। इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिस्काउंट होगा 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट बचा, जो बैलेंस अमाउंट बचा, वो कितना रह जाएगा, ओनली 6300, है ना। अब जैसे यार 6300 पे बाय पैकेज पे क्लिक करते हो बेटा, तो होगा क्या, होगा ये कि आप 6300 का जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट को चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह की कोई क्वेरी हो सकता है, देखिए किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ, या हो सकता है किसी ने किसी तरह की कोई टेक्निकल एरर आ जाए, हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए काम करना है आप लोगों को अपना मोबाइल उठा लेना है। उठा लिया, उठाने के बाद में यहाँ पे आपको एक नंबर दिए हुए हैं बहुत ही प्यारे, और इन नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, कॉल कर देना है 9549041111। कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी दिक्कत आ रही है, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन, उसका निदान आप लोगों को मिल जाएगा। और टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने जो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी शुरुआत की है वो ये, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से एग्री करना है, और मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है अब बिल्कुल 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 कगार पे आ चुका है। कहने का मतलब लगभग हम लास्ट स्टेज पे हैं, ठीक है, हमारे पास में मात्र और मात्र अब दो ही चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसका रिवीजन होना भी बहुत जरूरी है। अब उस रिवीजन का जरिया क्या है, उस रिवीजन को करने के लिए हमारे पास में है क्या चीज, तो उस रिवीजन के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा, और यहां पे आप लोगों को बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आप अपनी प्रैक्टिस शानदार, जबरदस्त और धुआंधार कर सकते हो, जिसका पाथ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। बाय नाउ पे आप लोगों को क्लियर कर देना है, और उसके बाद में आप लोगों को अपना पेमेंट कर देना है, एज इट इज एक बार देख लो, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करने बैठे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा वो ये कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इतना तो हम जानते हैं इस चीज को, ठीक है, कोई और इस चीज से हम इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते कि यार कि हम इसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी हूं, कहीं ना कहीं हम सभी हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम प्लांटेशन के जरिए या हम एक तरीके से अवेयरनेस जगा करके तरीके से हम कह सकते हैं कि यार ऐसा नहीं करें, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी, ऐसा नहीं कि यार ये तो चलता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एक दिन दिक्कत हम सभी को आनी है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन के कुछ घटक क्या होते हैं, किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकल रहा है, इसके अलावा हम बात करें जो हमारे घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक चीज़ें भी तो हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मटेरियल्स भी तो हैं, जिनकी वजह से भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन हो रहा है। हम एक तरीके से अगर बात करें जो फिनाइल वगैरह की अगर अपन बात करें, तो ये भी एक तरीके से क्या कर रही है, एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं पहुंचा रही है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम जो आग वगैरह लगा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए, कॉपी नहीं करना है,
ठीक है, हमेशा क्या है दिमाग में वही रहता है, कोई बात नहीं, यदा कदा गड़बड़म होती, ठीक है। बहुत दिनों बाद याद आया आज, चलें फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए बेटा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम जो देखने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें कि इसके क्या क्या कारण हैं और इसके कौन कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें किस किस टाइप से जो गैसेज हैं यहाँ पे वो एयर पोल्यूशन को और भी ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इनके बारे में भी आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, प्राइमरी एयर पोल्यूशन क्या होगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन क्या होगा, इनके बारे में भी आज अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एयर कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। हमारी अगर हम बात करें नेचर के बारे में, हमारी पूरी की पूरी प्रकृति के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीजन। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स के बारे में, ठीक है। अब नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, वो भी हमारे लिए दुखदायी है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही है, जैसा कि एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो अगर अपन बात करें जो आंकड़ों के बारे में, जो एक तरीके से जो निकलती है ना वीकली, एक तरीके से अपन कह सकते हैं ईयरली जो डेटा निकलता है, उस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, ठीक है, वो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जस्ट अगेंस्ट अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है डिफोरेस्टेशन। इस चीज को हमें मानना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, डिफोरेस्टेशन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात। डिफोरेस्टेशन चाहे वो हम रोड वगैरह बनाने में कर रहे हैं, चाहे हम वो डैम वगैरह बनाने में कर रहे हैं, चाहे हम वो किसी भी रूप में कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस चल रहा है, और इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी। हम किस तरीके से कर सकते हैं भाई, एक बात बताओ, आप व्हीकल का जहाँ पे जरूरी है हम वहीं पे यूज करें, जरूरी नहीं है तो हम साइकिल वगैरह से भी यूज, साइकिल से भी हम जा सकते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन हम कर सकते हैं, पेड़ पौधे हम ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। तो भी यार एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो बाय प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं मिल रही है ना, तो वहीं पर क्या हो रहा है। एक बात सोचो कि हम कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में तो लगे हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है एयर पोल्यूशन के बारे में अगर अपन बात करें, द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन द एटमॉस्फेयर अनडिजायरेबल क्वांटिटीज एंड ड्यूरेशन हार्मफुल। कहने का मतलब ये है कि जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हार्म ही पहुंचाएंगे, इनका काम सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा दूसरा है ही नहीं। किसमें काउंट करेंगे हम लोग उसको, एयर पॉल्यूशन के अंदर काउंट करेंगे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, यहाँ से जो धुआं वगैरह निकल रहा है, जो एक्सक्रीट निकल रहा है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ डायरेक्ट। चले आगे, नो प्रॉब्लम,
चलिए एयर पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बात बताता हूँ कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्लो पॉइजन भी कहा जाता है इसको, स्लो पॉइजन। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, वो ये कि जैसे कि सर्दियों के दिन आने वाले हैं अभी, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा प्रकोप दिखने लगा है, थोड़ा सा प्रभाव दिखने लगा है, थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलने लगा है उसका। तो होता क्या है कि जैसे कि अगर अपन कहें तो जो अंगीठी वगैरह होती है, ठीक है, हम हमारे घरों में क्या करते हैं, सर्दी से बचने के लिए हम थोड़ा सा आग वगैरह जला लेते हैं। ठीक है, उस आग को जलाने के बाद में क्या किया जाता है, बहुत सी बार ये होता है कि हम उस आग को घरों के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, जब वो कोयला वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है तो धीरे धीरे धीरे, अब आप लोगों को पता होगा जो आग जल रही है उसमें किसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट। जब कमरे के अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ये तो है ही नहीं कि हम बिल्कुल सब कुछ विंडो वगैरह ओपन करके गेट वगैरह खोल करके सोते नहीं, ठीक है, हम ये बोलते हैं ना यार जल्दी से गेट लगा देना, नहीं तो क्या है ठंडा हो जाएगा कमरा। ठीक है, हीट बनी हुई रहनी चाहिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कमरे का जो है हमेशा गेट लगा रहता है। अब जब वो बंद कमरा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, धीरे 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 कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो भाई साहब वो हो जाती है पॉइजनस, उसकी वजह से आदमी निमट भी सकता है, और ऐसा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हम देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर एयर पोल्यूटेंट। It is a gas produced due to the incomplete burning of the fuel like petrol, diesel, wood, kerosene and coal in many industries. इसके अलावा automobiles की अपन बात करें, factory वगैरह के बारे में अपन बात करें, it is poisonous gas, जैसा कि मैंने आप लोगों को already clear किया हुआ है। अब कौन कौन सी problems आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैं बात कर सकता हूँ headache वगैरह हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा अपन बात करें कि सर्दी जुकाम से रिलेटेड अपन बात कर सकते हैं, डिजीनेस मतलब सर दर्द वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स वगैरह की अपन बात करें, इसके अलावा ब्रीथलेसनेस की अपन बात करें, जैसे सांस नहीं आना, सांस में लेने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, आपको जो है जैसे अपन कहते हैं ना यार सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है, जी घबराने वाली जैसी स्थिति हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कोलैप्सिंग, भाई एक बार बताओ जब एयर अंदर जाएगी नहीं तो कोलैप्सिंग वाली प्रॉब्लम होने की स्थिति आ सकती है, और अगर अपन बात करें तो एक बार बताओ अनकॉन्शियस, कहने का मतलब ये है कि यार थोड़े से हम लोग बेसुध से फील करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, तो सिंपल सी बात है अनकॉन्शियस तो होना जरूरी है यार, एक बार बताओ वो बेसुध हो चुका है। और जब ऐसा काम रात के टाइम पे अगर कोई आदमी अंगीठी जला करके सो रहा है तो उस कमरे की तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन निमट चुकी है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रही है, और वैसे ही वो बेसुध हो गया, रात में कोई देखने आएगा ही नहीं, ठीक है, सवेरे तक तो उसका काम तमाम हो चुका होगा, बहुत से केस हो चुके हैं, फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए। यह है एयर पोल्यूशन का पहला कारण, सबसे मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए बंद कमरे में हमें क्या नहीं करना चाहिए, आग वगैरह नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, लिख लिया क्या, लिख लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है, इनसे जो गैसेस वगैरह निकल रही हैं, इनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल ही रही है बॉस। लाइक हम बात करें इरिटेशन ऑफ
आईज की अगर अपन बात करें, आंखों में किसी ना किसी तरह की जलन होना, ठीक है ना, उनमें इरिटेशन होना, इसके पीछे किसका रीजन होता है? आप लोग देखना कि जो थर्मल पावर प्लांट्स के पास में जो सोसाइटीज वगैरह होती है ना, तो वहां पे रात के टाइम पे वहां से जो चिमनी वगैरह होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, वहां से जो धुआं निकलता है, अगर दो दिन या तीन दिन तक अगर छत का झाड़ू नहीं लगाया जाए ना, तो दिक्कत हो जाती है। इतनी मोटी मोटी परत जम जाती है, दिक्कत आ जाती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो चिमनी से धुआं निकल रहा है, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो छत के ऊपर ही जमा होते चले जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड कोल। थर्मल पावर प्लांट्स एंड द पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे मेजर जो सोर्स है वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड रिफाइनरीज वगैरह के बारे में अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन देखिएगा, लंग्स की प्रॉब्लम अपन बात कर सकते हैं, वही रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम की अपन बात करें, इरिटेशन जैसे आईज वगैरह में जो है जलन वगैरह होना, इस टाइप से हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रही है किसका, एयर पोल्यूशन का। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। हो गया, देखिए अब हमने यहां पे इस चीज को समझ लिया है कि भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इतनी प्रॉब्लम्स तो कर ही रही है। इसके अलावा हम बात करें एसिड रेन से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो एसिड रेन के पीछे भी क्या है, जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड है वो ही पॉसिबल है। और एसिड रेन डैमेज द मोमेंटस, कहने का मतलब जो हिस्टोरिक प्लेसेस वगैरह होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, वो समय के साथ 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 धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो समय के साथ में वो धीरे धीरे खराब होने के पीछे रीजन क्या है, एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। इसके अलावा हम बात करें एक्वेटिक लाइफ के बारे में, तो एक्वेटिक लाइफ जो है कहीं ना कहीं उनकी वजह से क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। इसके अलावा हम बात करें ट्रीज वगैरह के बारे में, सोइल वगैरह के बारे में और मेटल वर्क। देखिए एसिड रेन की वजह से मेटल को प्रॉब्लम होगी ही होगी, या जैसे ताजमहल कोई प्रॉब्लम हो रही है एसिड रेन की वजह से, बिल्कुल पीला पड़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर जहां जहां पे जाएगी पोल्यूशन के साथ, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, ना तो हमें लंग्स की प्रॉब्लम होगी, ना हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी, ना हमारे जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, ना इक्विटिक एनिमल्स को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, ना ट्रीज को कोई प्रॉब्लम होगी, ना किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हो गया, लिख लिया ना, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। तो हम बात करें जैसे कि आई से रिलेटेड हम लोगों ने देखा, ठीक है, थ्रोट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें थ्रोट इरिटेशन, आप लोगों को पता होगा कई बार जैसे कि छाती का जलना, ठीक है ना, जी जलने वाली जैसी स्थिति हो जाती है, तो
किसकी वजह से हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अरे भाई रेस्पिरेशन से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो उसमें ब्रीदिंग तो कोई छूटा हुआ है ही नहीं। ठीक है, सेवंथ क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, और रेस्पिरेशन को आप लोगों ने जब पढ़ा है तो आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अब यहां पे हम बात करें इसके अलावा हम बात करें, जैसा कि अगर अपन बात करेंगे ब्लड वगैरह से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो जैसे कि जैसे खांसी वगैरह आना तो उसमें ब्लड वगैरह निकलना होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती, डाइऑक्साइड की वजह से होती। हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ गैस मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोयला वगैरह जिसके अपन बात कर सकते हैं, डीजल वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, पेट्रोल वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें? रेस्पिरेशन से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी समस्या से संबंधित जो बीमारियां होंगी यहाँ पे हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम बात करें डिजोल्विंग रेन वॉटर इट कॉजेज एसिड रेन। अब जब एसिड रेन हो रहा है तो एसिड रेन से भाई साहब मैंने आप लोगों को इससे पहले सारी की सारी चीजें बता दी हैं कि एसिड रेन होगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होना ते है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी आप लोग लिख सकते हो फटाफट से एज अ डिस्कोपिकल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा इसके बारे में, दिल्ली वगैरह के बारे में बहुत सी बार आता भी है कि भाई एक दिन में लगभग जो है आदमी 6 सिगरेट के आसपास पी रहा है। ठीक है ना, जो स्वस्थ आदमी है ना उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो पी रहा है वो उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, जो स्वस्थ है उसके बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़े, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो चुका है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। आप खुद सोचो कि यार अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो क्या होगा, सोचिए। पहली बात तो यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब निमट गए, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। और यही चीज हो रही है जिस तरीके से हम डिफोरेस्टेशन करे जा रहे हैं, जिस तरीके से आधुनिकीकरण का नाम लेकर के हम जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से प्लांट वगैरह को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिल रहा है? लिविंग थिंग्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैसेस अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है जो सन से हीट आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जब सन का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो सोचिए कि कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके पास में कूलर वगैरह होंगे, जिनके पास में एसी वगैरह होंगे वो इजीली सर्वाइव करेंगे, जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो जू वगैरह होते हैं वहाँ पे पता भी मालूम बहुत सी बार आता भी है न्यूज़पेपर में, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है कि कई बार जू वगैरह में जो है एक दिन में 12 हिरण मर गए। ठीक है, ये तो डेटा होता है, पता नहीं असली में जाने कितने, जो रियलिटी की अगर अपन बात करते हैं वहाँ कितने मरे हो हमें खुद को कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है ना, लेकिन अब एक बार बताओ जब गर्मी की वजह से जो लिविंग, चलो हम तो इंसान है कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेचारे लिविंग अपन बात करें एनिमल्स वगैरह के बारे में, वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? अगर पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इधर उधर दौड़ेंगे। ठीक है ना, और उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, वो जंगलों से कहाँ की तरफ आ रहे हैं, सोसाइटीज की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे पानी है, क्योंकि वहां पे तो हम लोगों ने क्या करा है, डिफोरेस्टेशन कर दिया, उनके पेड़ पौधों को हमने नुकसान पहुंचा दिया। वो जब पानी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कितनी बड़ी समस्या आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसके अलावा हम बात करें जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, प्लांट के लिए एज ए रॉ मटेरियल होता है। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, प्रॉब्लम अब किसके ऊपर आ गई, हमारे ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रॉब्लम आई।
बात समझ में आ रही है, तो कितनी बड़ी और कितनी एक तरीके से अपन कहें कि यार इंटरकनेक्टेड सिचुएशन है। अगर मान लो एक भी चीज, एक भी कंपोनेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डैमेज होता है तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, हमें ही देखनी पड़ेगी, हमें ही उसको क्या करना पड़ेगा, फेस करना होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे कि अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें विजुअल, तो आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारी ऑडिबिलिटी की अगर अपन बात करें, जो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होने हो सकती है। रेस्पिरेटरी की अगर अपन बात करें, मस्कुलर सिस्टम से बात करें, इसके अलावा स्किन से रिलेटेड अपन बात करें, और अगर हम बात करें कि जो हमें हेडेक वगैरह है, इसके अलावा जो हमें आलसीपन वगैरह की अपन बात करें, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है। एज इट इज इस डायग्राम को भी आप लोगों को बनाना है, फटाफट से बनाओ, फटाफट से। हो गया, तो स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा वो ये कि अगर मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है तो कितनी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। पहले अगर अपन बात करें विजिबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, हमारी आईसाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बात सिंपल सी है ना। इसके अलावा हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम की, तो देखिए आप लोग आलसीपन बना रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें जो माइल्स प्रॉब्लम वगैरह के बारे में बात करें अपन, ठीक है ना, कहने का मतलब मंद बुद्धिता, ठीक है ना। इसके अलावा डिजीनेस कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम बनी रहेगी, हमेशा ही मतलब एक उत्साह वाली बात, ठीक है ना, कहने का मतलब यार बिल्कुल थका थका सा महसूस होना, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। और मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई अगर एनर्जी बन रही है, हमारी बॉडी के अंदर कोई उम्मीद है, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम किसी काम को बहुत उत्साह के साथ में करें, बहुत इंटरेस्ट के साथ में काम करें, कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, ठीक है। वहां पे हर तरह का जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो बिल्कुल एक्चुअल और सही हो रहा है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज दिक्कत आना ते। इसके अलावा हम बात करें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम करी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हार्ट से रिलेटेड तो होनी है। इसके अलावा हम बात करें मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होनी ही होनी, फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो इसको, हो गया, फटाफट से इसको बनाना है आप लोगों को, है ना, भले रफ डायग्राम बना लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रफ डायग्राम बना लेना कोई दिक्कत नहीं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, इसके अलावा अपन बात करें कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम बात करें अब ओजोन के बारे में। एक बार बताओ अगर CFC का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किसका CFC का
वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप खुद सोचो, आप खुद इस चीज को सोचो कि क्या होगा जब सीएफसी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना बेटा। तो सिंपल सी बात है, ये तो तय बात मान के चलो आप लोग कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक प्रोटेक्शन लेयर है। क्या है? प्रोटेक्शन लेयर है जो एज अ ब्लैंकेट वर्क कर रही है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है। किन से? जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, उन रेज से हमें क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब वो प्रोटेक्शन अगर मान लीजिए प्रोवाइड करना बंद हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, सोचो आप, दिमाग लगाने वाली बात है। एक बार बताओ, अगर ये जो ओजोन लेयर है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और सन से आने वाली जो चीजें हैं, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, अगर वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पे आएंगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो यूवी रेज हैं वो कहीं ना कहीं स्किन डिजीज वगैरह, ठीक है ना, आई डिजीज वगैरह कर सकती है। एक बार बताओ, ये जो अर्थ पे आएंगी तो कहीं ना कहीं ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी, नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स का जो पानी है वो पिघलेगा, नहीं पिघलेगा? क्या जल संकट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन को लेकर के, तो हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे इजीली समझ में आ रही होगी। ओजोन अकर्स नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, अपन जानते हैं सबसे पहले वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रोपोस्फीयर, जहां पे वेदर वगैरह जो होता है वो चेंज होता है, आपने देखा होगा आर्द्रता वगैरह होना, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी की अपन बात कर सकते हैं, हवाएं वगैरह चलती हैं, बारिश वगैरह होती है, सब कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर का जो होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है हमेशा इक्वल बना होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये हमें क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक शील्ड की तरह वर्क करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किन से, यूवी रेज से, ठीक है। इसके अलावा, अब यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही, इसके अलावा और भी कई सारी गैसेस हैं, और भी ज्यादा हैं, बहुत सारे कई सारे फिनोमिना हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। तो एज इट इज इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया ना, ओजोन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
देखिए सीएफसी, देखो स्टूडेंट्स अगर हमें बात करूं ओजोन लेयर को लेकर के या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर के, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है किसके लिए, जो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का हार्म हो रहा है। ठीक है, हमारे घरों से जो गैसेस वगैरह निकल रही है, रेफ्रिजरेटर से जो गैसेस वगैरह निकल रही हैं, इसके अलावा एसी वगैरह से अगर अपन बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा अभी जब कोरोना के टाइम पे जब सब कुछ लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे इतना पैसा बर्बाद हो गया। पहले की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ओजोन लेयर को रिपेयर करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल पता नहीं जाने कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह चलाए गए, लेकिन कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने सुना है, जैसा कि मैंने देखा है, जैसा कि मैंने पढ़ा है, वो ये बताया जा रहा है कि इस टाइम में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा, जब सब कुछ बंद हो चुका था, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो छेद है, जो सबसे बड़ा होल है ओजोन लेयर का, वो अपने आप रिपेयर होगा। सोचो ना कोई, बस थोड़ा सा नुकसान हमें, तो वो जो नुकसान हुआ है उसके पीछे भी हम ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, अगर सीएफसी नहीं होती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब जब वो है तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो भी हमें ही फेस करने पड़ रहे हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हो गया क्या? चलें क्या आगे, चाहे हम ओजोन लेयर के बारे में बात करें, चाहे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्किन डिजीज होना, इसके अलावा आई डिजीज होना, और कहीं ना कहीं हमारा जो प्लांट्स वगैरह जो डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। यार एक बार बताओ ना, सोचो ना खुद ही कि भाई जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आ जाएंगी, तो उसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट देखने को मिलेगा ही ना। सिंपल सी बात है, सोचने वाली तो बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। देखो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, जो हमें एयर पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, तो एक बात बताते हैं फटाफट से। पहले हम बात करें प्रीमैच्योर डेथ वगैरह की, अपन बात करें हॉस्पिटल एडमिशन की, अगर अपन बात करें बिना किसी प्रॉब्लम के भी हॉस्पिटल में आदमी भर्ती है, तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हम बात करें इमरजेंसी रूम विजिट की, अपन बात करें अस्थमा अटैक वगैरह के, आज के टाइम पे मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुश्किल से एक पेशेंट मिलता था पैरालिसिस का, बहुत मुश्किलों से, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो ये जो जिस तरीके से एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं विडंबनाएं आई हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके कोई दिक्कतें चल रही हैं, एक ही गली के अंदर आप लोगों को 3 से 4 केसेस मिल जाएंगे पैरालिसिस के, ठीक है। व्यक्ति सो रहा है, कोई भी अगर आज हम बात करें तो एक तरफ से अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है ना, उसको वापस से उसको जगाना, ये सिम्टम्स है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, मैं आप लोगों को बात बताऊं कि हमारा जो रूटीन है वो बिल्कुल कैसा हो चुका है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी को आगे एक बार मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ, वो ये कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा किस किस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है हमें। विजिबिलिटी बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आज के टाइम में हमारे मोबाइल जो है एक तरीके से बहुत ज़रूरी हो चुका है, ठीक है ना। विजिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मैं खुद चश्मा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है। इसके अलावा हम बात करें हमारी नोज वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और किसकी वजह से देखने को मिल रही है, एयर पोल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के वगैरह के बारे में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल
माननी पड़ेगी कि हाँ कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन है तो उसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा हम बात करें स्मोक प्रेजेंट इन एयर एंड ब्लैकिंग अदर द क्लॉथ एंड द बिल्डिंग वगैरह के बारे में अपन बात करें। नेक्स्ट हम बात करें फ्लाई एश इज प्रेजेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात कर सकते हैं, जो कि क्या कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर। हो गया, चले आगे। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, प्राइमरी एयर पोल्यूशन क्या होगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन क्या होगा, ऑटोमोबाइल की वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या होता है, जो डोमेस्टिक हम यूज कर रहे हैं उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजिली अवेलेबल हो जाए। और किसी तरीके की क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कर सकते हो। और जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं रिवीजन वाला सेशन लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी से, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र हो जाओ, मस्त हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल नए सिरे से शानदार तरीके से अपन जो है अपना रिविजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।